स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं सभी रेल यात्रियों से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक रियलिटी बता दूं तो रेलवे को बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि मार्केट में फेक आईडी बनाने वाली सॉफ्टवेयर आ गई है। मार्केट में इलीगल तत्काल सॉफ्टवेयर का यूज करके मिनटों में पूरी तत्काल टिकट बुक कर ली जा रही है बल्क में, जिससे जो नॉर्मल रेल यात्री है वो अगर नॉर्मल तरीके से IRCTC रेल कोनेट एप्लीकेशन या फिर अगर हम बात करें वेबसाइट का यूज करके जब भी वो तत्काल टिकट बुक करता है और जब तक वो पेमेंट करता है उससे पहले सीट पूरी खत्म हो जाती है। रेलवे को ये चीजें बहुत अच्छे से पता है। अब दोस्तों रेलवे को ये भी पता है कि सर्वर डाउन है। जी हाँ फ्रेंड, आप बात समझो, रेलवे को ये भी पता है कि सर्वर डाउन है। अब फ्रेंड कहीं ना कहीं सर्वर डाउन करने का हो सकता है एक रीजन है कि दलालों से थोड़ा बहुत राहत मिले रेल यात्रियों को। तो फ्रेंड अब क्या होगा, रेलवे दोस्तों एक नई कंपनी, मतलब कि एक नई कंपनी को ये पूरा ठेका दे रही है। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, ग्रैंड थोनेट नाम की एक कंपनी है, जो कि दोस्तों रेलवे का कहना है कि हम जो इलीगल तत्काल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उसको तो हम नहीं बैन कर सकते, क्योंकि अलग अलग डेवलपर हैं, अलग अलग मतलब सॉफ्टवेयर वो मैक कर लेंगे, बना लेंगे। तो उनका कहना है कि हम IRCTC की वेबसाइट को ऐसे बना देंगे, इसमें इतनी अपडेट दे देंगे और इतनी सिक्योरिटी दे देंगे कि कोई इलीगल तत्काल सॉफ्टवेयर किसी भी VPN के माध्यम से इस पर कनेक्ट नहीं हो सकेगा। जी आपने आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे रेल यात्री जो फ्रेंड तत्काल सॉफ्टवेयर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर करेंट टाइम में चला रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हो सकता है ज्यादा दिन तक आपका सॉफ्टवेयर न चले। और अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं 8,000, 10,000, 15,000 जितने का भी आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना भारी पैसा मत फंसाए, क्योंकि दोस्तों रेलवे को बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि इलीगल तत्काल सॉफ्टवेयर का यूज करके तत्काल टिकट बहुत आसानी से मतलब बुक किया जा रहा है। अब दोस्तों आपने देखा होगा ऐसी यूजर आईडी जिस पर लगातार 10 टिकटें बुक होती है, चार्ट बनने के बाद रेलवे PNR सीज कर देती है। और आपने पीछे मैंने पिछली एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 37 लाख यूजर आईडी ब्लॉक किए गए हैं। रेलवे दोस्तों बोल रही है कि मतलब जो बहुत सारे ऐसे मार्केट में सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसकी वजह से फेक आईडी प्रोवाइड किया जा रहा है, मोबाइल नंबर जीमेल आईडी भी वेरिफिकेशन कर दिया जा रहा है। अब इसको रोकने के लिए हमें वेबसाइट को अपग्रेड करना पड़ेगा और हमारे पास एक ही रास्ता है। दोस्तों मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि डेवलपर इतने ज्यादा हो गए हैं, अलग अलग नाम से मार्केट में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, और दोस्तों तो इसके वजह से रेलवे के पास दोस्तों ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि वो मतलब सभी एजेंट को एक साथ पकड़ सके। जब रेलवे को सूचना मिलती कहीं से कि ये साइबर कैफ है या ये शॉप है, यहाँ पे इलीगल धंधा चल रहा है तत्काल टिकट का, तो फ्रेंड वहां पे छापा मारा जाता है। तो फ्रेंड अब रेलवे ने वही रूल्स लगाए हैं एक नई कंपनी को, ये IRCTC सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरा जिम्मा दे रही है कि आपको वेबसाइट अपग्रेड करना है और जो सर्वर इशू का प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम भी दूर होगा। ऐसे रेल यात्री जो हमारे पास कमेंट कर रहे थे सर तत्काल टिकट बुक करते समय अक्सर पेमेंट फेल हो जाता है, तो फ्रेंड ये सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। और जो इलीगल तत्काल सॉफ्टवेयर जो VPN के थ्रू IRCTC की वेबसाइट पर अपना दबदबा बना लेती हैं, कब्जा कर लेती हैं, अब दोस्तों हो सकता है अगर वेबसाइट अपग्रेड हो जाएगी तो ये सॉफ्टवेयर न वर्क करें। जी आपने बिल्कुल सही सुना। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको यही छोटी सी अपडेट देने वाला था। बहुत जल्द आपको हो सकता है IRCTC की वेबसाइट और रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पे एक नया बदलाव देखने को मिले, एक बिग अपडेट देखने को मिले। ये अपडेट दोस्तों इसलिए देना जरूरी है क्योंकि मार्केट में सॉफ्टवेयर का यूज करके तत्काल टिकट निकल रहा है जिससे नॉर्मल रेल यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो मार्केट में इलीगल तत्काल सॉफ्टवेयर का यूज करके 10 टिकटें बुक हो रही है उससे नॉर्मल यात्री ही सफर कर रहे हैं, लेकिन 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 पैसा वो ज्यादा पे कर रहे हैं। मतलब 1,000 का टिकट है तो मजबूरी में 2,000 दे रहे हैं। ऐसे में जो रेलवे के एजेंट है दोस्तों धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं। एक हिसाब से देखा जाए अगर वो कहीं पे नौकरी वगैरह करेंगे तो भी उनको इतनी पैसा नहीं मिलने वाली जितना वो मुंह मांगा रकम तत्काल टिकट बुकिंग में ले लेते हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको बस ये छोटी सी अपडेट देने वाला था कि अगर आप भी इलीगल तत्काल सॉफ्टवेयर का धंधा करते हो या फिर तत्काल टिकट बुक करते हो पर्सनल यूजर आईडी से बुक किया हुआ, तो सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। मेरा तो दोस्तों मकसद है बस आपको नई नई अपडेट देना, बाकी आपका जो मन करे वो आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब दोस्तों मैं ऐसा बोल सकते जो रेलवे है ना वो दलालों के पीछे हाथ धोकर बैठ गई है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, रेलवे दोस्तों नई नई तकनीक लगा रही है, नई नई चीजें देख रही है आखिर हमें इस सॉफ्टवेयर को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने एक नई कंपनी को हायरिंग दे दिया कि आप IRCTC की वेबसाइट को ऐसा अपग्रेड कर दो कि कोई भी सॉफ्टवेयर इस पे अपना दबदबा न बना पाए, मतलब वो डायरेक्ट इस पे अपना वर्क न कर पाए।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।